कीमत है जिस वक्त 272 रुपए है, इसमें 5 रुपए कमी के साथ नई कीमत जो होगी वो 267 रुपए फी लीटर होगी। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर की कमी और लाइट डीजल ऑयल में 12 रुपए फी लीटर की कमी की जा रही है। 1 मार्च से नई कीमतें मुल्क में नाफिज होंगी। रिलीफ की उम्मीद, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए कमी कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल 5 रुपए, मट्टी का तेल 15 रुपए और लाइट डीजल 12 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए होगी, लाइट डीजल 184 रुपए फी लीटर में दस्तयाब। अगर मेरे पास अख्तियार होता तो मैं आज पेट्रोल की कीमत 500 रुपया लीटर करता, ये मैंने बात की थी 2 महीने पहले, 500 रुपया लीटर करता, सुबह निकल के देखता अपने घर से बाहर, अगर ट्रैफिक कम ना हुई होती और उसी तरह होती ट्रैफिक, तो मैं 600 कर देता पेट्रोल की। मेरे इख्तियार में होता तो पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर देता, ट्रैफिक कम ना होती तो 600 रुपए लीटर में पेट्रोल बेचता। जियाले रहमा मखदूम अहमद महमूद का जलाली खिताब। बिजली का फी यूनिट 100 रुपए और गैस की कीमतों में 10% इजाफे की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हाजरीन अवामी नुमाइंदे की बातें सुनकर दम बखुद रह गए। कर्ज प्रोग्राम लेना है तो शरायत पर पेशगी अमल दरामद यकीनी बनाना है। आलमी बालियाती इदारे ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुस्तकिल बिजली सरचार्ज, शराय सूद में इजाफे, एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक लाने का मुतालबा कर दिया। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर भी तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। अवाम के लिए बिजली का जोरदार झटका। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे और दीगर सार्फिन के लिए 48 पैसे यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। एलपीजी की कीमत में 12 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 278 रुपए किलो हो गई। 1 मार्च से घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 44 पैसे महंगा मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 500 रुपए 25 रुपए का इजाफा होगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 58 पैसे इजाफे के बाद 261 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 267 रुपए 50 पैसे का हो गया। मूडीज ने पाकिस्तान की कर्ज लेने की रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। रिपोर्ट में कहा जर मुबादला जखायर फौरी और वस्त मुद्दती दरामदी बिल और कर्जों की अदायगी के लिए नाकाफी है। फौरी इकदाम ना किए तो नतायज संगीन होंगे। वज़ीर आज़म से एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इक्तसादी शोबों समेत मौसमियाती तब्दीली और समाजी शोबे में फाइनेंसिंग को सराहा। एडीबी के साथ मजबूत शराकतदारी जारी रखने का आज़म जाहिर कर दिया। शंघाई थर्कोल से बिजली की पैदावार शुरू हो गई। 1 साल में 1089 मेगावाट पैदावार होगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ और बेनजीर के ख्वाब की ताबीर हो गई। IMF से रवां माली साल के तमाम मामलात पर मुआहदा हो चुका है। इलेक्शन की तारीख पर अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज में इलेक्शन पर सब मुत्तफिक हैं, तलाश में हैं इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, मुस्तकबिल में इंतखाबी तारीख कौन देगा इसका तायुन करना है। वाहिद मकसद कानून की वजाहत है। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा 14 जनवरी से किसी को फिक्र नहीं कि तारीख कौन देगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 90 रोज बाद जिम्मेदार कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सियासी जमातों के वकला ने पार्टी कायदीन से मुशावरत की। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नायक ने कहा इंतखाबी तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। सदर ने बगैर मुशावरत तारीख देकर
आइन की खिलाफ वर्जी की। नून लीग के वकील ने मुशावरत के लिए वक्त की दरखास्त की। JUI के वकील ने कहा मरदमशुमारी चल रही है, दो सूबों में पुराने नताज पर इलेक्शन मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख देना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में आरिफ अलबी के वकील सलमान अकरम राजा का एतराज, कहा सदर मुमलिकत जल्द इंतखाबी तारीख का नोटिफिकेशन वापस लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी तारीख से मुतालिक आइनी दरखास्त की पैरवी ना करने का फैसला कर लिया। एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में ऐलानिया जारी किया, कहा दरखास्त बार काबीना की मंजूरी के बगैर सियासी मकासद के तहत दायर की गई, बार एसोसिएशन दरखास्त से मुकम्मल ला ताल्लुकी का इजहार करती है। जनरल जियाउल हक ने कहा था पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और वो 90 दिनों का वादा था जो 11 साल के ऊपर गया। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की है वो कह रही है पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। अदालतों को मुतनाज़े करना नून लीग का पुराना वतीरा है। आमिरों के जानशीनों का वाहिद मकसद नवाज शरीफ को माफी दिलवाकर इमरान खान को नाअहल करवाना है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन 90 रोज में करवाना जरूरी है, काम की उम्मीदों का वाहिद मरकज सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट बेंच की तब्दीली, जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुकदमात की समाअत से इनकार कर दिया। रिमार्क्स में कहा लगता है रजिस्ट्रार जज से भी ज्यादा ताकतवर है, जो केस चाहे समाअत के लिए लगा सकता है। अचानक बेंच की तब्दीली और मुकदमा मुकर्रर होने से शुबहात जन्म लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स में कहा इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है, जिसे इत्तेफाक नहीं वो जवाब दे है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर बात नहीं करेंगे। कानून की हुक्मरानों की बातों के साथ कानून शिकनी का शार, PTI चेयरमैन की पुरानी रविश बरकरार। तोशाखाना केस में अदम पेशी पर अदालत बरहम, नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। इकदामे कत्ल और ममनुआ फंडिंग केसेस में साबिक वजीर आजम की जमानतें मंजूर कर ली गईं। कानून के सामने सरेंडर भी कानून से खिलवाड़ है। इमरान खान की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आमद पर खिलाड़ी कारकुनान ने तूफान बदतमीजी बबा किए रखा। हंगामा आराई के दौरान कॉम्प्लेक्स का मरकजी गेट तोड़ डाला, पुलिस ने रोका धावा बोलकर दर्जनों अहलकारों को जख्मी कर दिया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई पर वफाकी पुलिस का एक्शन, तोड़फोड़ में मुलव्वस 25 अफराद को धर लिया, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। गुंडागर्दी में मुलव्वस अनासिर से कानून के मुताबिक निपटेंगे, वज़ीरे दाखला राना सनाउल्ला ने बता दिया। कहा 400 वर्कर्स ने पुलिस पर हमला किया, अहलकारों की वर्दियां फाड़ी, इमारत के शीशे तोड़े। मुल्क को बहरानों से निकालने वाले खुद बहरानों का शिकार हैं, असबाब दाखिली हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं सूरत हाल की संगीनी के तहत पार्लियामेंट को बिला ताखीर मौसर किरदार अदा करना होगा, ईवान अदल को मौसर बनाने के लिए कानून साजी करना होगी। PTI की जेल भरो तहरीक साहिवाल में 175 कारकुनों ने गिरफ्तारियां पेश की, पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी देने वालों में 3 साबिक मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली भी शामिल। सिंध हाईकोर्ट ने कराची में 16 मार्च को जिमनी इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI कराची के मुस्ताफी MNAs की इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी।
मकान है या नोट छापने का कारखाना। मुजफ्फरगढ़ में एंटी करप्शन हुकाम और पुलिस ने साबिक पीटीआई एमपीए अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापे गए 12.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। अहलकारों को नोटों की गिनती में कई घंटे लगे। अब्दुल हई दस्ती कहते हैं कि रकम दुबई में मुकीम बहन ने भेजी। इल्जाम का अदालत में सामना करूंगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर 8 बसों पर मुश्तमिल स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबा इस्लामाबाद और गिर्दोनवाह के बच्चों को मोबाइल स्कूल्स के जरिए तालीम फराहम करेगा। पाकिस्तान में शजरकारी को कौमी नस्बुलैन बनाने की फौरी जरूरत है। हमें आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात से महफूज बनाने के लिए कौमी सतह पर न सिर्फ अमली इकदाम की जरूरत है बल्कि तालीमी इदारों में भी इसकी आगाही को यकीनी बनाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर मुल्क गीर मौसम बहार सजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इस साल 24 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी को मुल्की सतह पर फरोग देना होगा। सैलाब से जंगलात और फसलों को नुकसान हुआ, लाखों लोग बेघर हुए। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए अमली इकदाम की जरूरत है।